चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. द एडजेसेंट फिगर इज द पार्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड नेट. द सेक्शन ए बी इज स्ट्रेच्ड विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ये ए बी सेक्शन है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया गया है. द टेंशन इन द सेक्शंस बी सी एंड बी एफ. बी सी ये वाला सेक्शन है, बी सी और बी एफ इधर फोर्स लगाया गया. तो इसको सॉल्व करने के लिए लेमीज थ्योरम का हम यूज करेंगे. लेमीज थ्योरम, इसमें जैसे एक पॉइंट है जिसपे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर. एज्यूम करो इसको F1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे F2 और इसे F3 कंसिडर कर लेते हैं. F1 के सामने का एंगल अल्फा है, F2 के सामने का एंगल बीटा है, F3 के सामने का एंगल गामा है. तो लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है साइन अल्फा अपॉन F1 इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन F2 इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन F3. इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा. तो F1 की जगह 10 न्यूटन है तो यहां पुट कर दिया हमने. अच्छा, ये एंगल 120, ये 120, तो ऑब्वियस बात है ये भी 120, यानी अल्फा 120 हो गया. तो साइन 120 इज इक्वल टू F2 को T1 हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पर, और F3 को हम T2 कंसिडर कर लेते हैं. तो क्या होगा, T1 अपॉन साइन, ये कितना होगा, T1 के सामने का एंगल 120 है, तो ये साइन 120 हो जाएगा इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120. तो साइन 120 तीनों जगह है तो कट जाएगा, 10 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T2. यानी दोनों जो नेट का जो पोर्शन है BC और BF दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम होगी, और कितनी होगी, 10 न्यूटन. तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.